जिस तरह का मूड माहौल आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है उस पर जरा फोकस कर लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चेतावनी दी है। क्या है इसकी वजह, नूपुर हमें बताने को तैयार है। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, चेतावनी आई है मूडीज की तरफ से यूएस क्रेडिट जो रेटिंग से उनको लेकर। उनका कहना है कि जो अगर जो फेडरल बजट है उसको पास करने के लिए एक हफ्ते से कम का समय रह गया है, 30 सितंबर तक होना चाहिए। अगर वहां पे कुछ कंसर्न्स आते तो उसके चलते शटडाउन का खतरा जो है उस पर उन्होंने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि शटडाउन से यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर खतरा आ सकता है। जो यूएस की ट्रिपल ए रेटिंग को डाउनग्रेड भी किया जा सकता, ट्रिपल ए की जो रेटिंग है मूडीज की उसको भी डाउनग्रेड किया जा सकता है। अगर ये डाउनग्रेड होता है या अगर ये शटडाउन आता है तो यूएस की जो रेटिंग है उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर बात करें शटडाउन की तो ये एक इम्पैक्टफुल हो सकता है, चाहे वो आर्थिक और राजनीतिक हो, दोनों पर ही सवाल उठाएगा। साथ ही साथ जो यूएस की इकोनॉमी और जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अब ये शटडाउन कितना बड़ा होता है, क्या होता है, उससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, जिसके चलते मूडीज ने जो है वो वहां पर चेतावनी दी और कहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग से उस पर भी खतरा आ सकता है। फिलहाल पिछले महीने भी हमने देखा था जब डेट सीलिंग के कंसर्न्स चल रहे थे तब भी फिच की तरफ से जो अगस्त के महीने में यूएस की जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए से घटा के उन्होंने डबल ए की कर दी थी। और 2011 जब S&P ने यूएस की जो रेटिंग को डाउनग्रेड किया था तब से लेके अब तक उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया है। तो तीन बड़ी एजेंसी में से दो एजेंसीज की डबल ए प्लस की रेटिंग है। फिच ने तो हाल ही में एक महीने पहले डाउनग्रेड किया था क्योंकि जो डेट सीलिंग की कंसर्न्स आई थी, और अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है फेडरल बजट को पास होने के लिए। इसीलिए मूडीज ने चिंता जताई है और यूएस की क्रेडिट रेटिंग पर खतरा उन्हें लगता है कि अगर शटडाउन होता है तो उन्हें डाउनग्रेड करना पड़ सकता है। ओके, ये आपके लिए यूएस पर डाउनग्रेड का खतरा। देखते हैं कैसा आज एक्शन आएगा। शाम को 100 पॉइंट नीचे फिलहाल डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल इसने बिगाड़ा हुआ है। देखते हैं यहाँ पर कैसी मूव आएगी।